दोस्तों ये एक सर्विस की ट्यूब है, किसी भी कंपनी की हो सकती है, तो इसे काट के हम ये ट्यूब तैयार करने वाले। तो इसका तरीकाकार क्या है कि आपको कैंची की ज़रूरत होगी, इसके अलावा टेप की जरूरत होगी। चलिए इसको काट लेते हैं। ये हमने एक पीस काट लिया, अब दूसरा पीस जो है ये भी हमें इसी तरह काट लेना है। बड़ा आसान है, बड़ा इजी है ये, खासकर टूल तैयार करना। ये दो टूल तैयार हो गए हैं, अब हमने इसको इसी तरह फोल्ड करके, ये देखें इस तरह इसको हमने बराबर फोल्ड करके इनको एक दूसरे के साथ मिला देना है। अब हमने इसको इस तरह फोल्ड करना है, ये फोल्ड हो जाएगा कटिंग टेप। कोई भी टेप अगर आपके पास है तो वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, अगर टेप नहीं है तो किसी चीज़ से इसको बांधा भी जा सकता है। ये देखें कुछ जो पीस हैं वो छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, तो इनको काट के इस तरह बराबर कर लेंगे ताकि जब हम डिज़ाइन बनाएं तो वो एकदम स्मूथली बराबर बन गया है। ये देखें हमारा जो टूल है वो तैयार हो गया है, अब इसके मदद से हम डिज़ाइन तैयार करते हैं। अब कदर को तैयार कर लेते हैं। ये हमारे पास 50 ml की एल ट्यूब है, इसमें हमने तारपीन ऑयल जिसको मट्टी का तेल भी कहते हैं ये 200 ml डालना है। 50 ml की एल ट्यूब है और इसमें हमने मट्टी का तेल 200 ml ये 402 नंबर इसका कोड है, पर्पल शेड इसका। कदर को लगाने के लिए ये हमारे पास है काटन का कपड़ा, इसकी मदद से हम लगाएंगे बेस के ऊपर कलर को। कलर को तैयार कर लिया हमने, अब लगाएंगे बेस के ऊपर। इसकी बेस में हमने ऑयल पेंट लगाया है जिसको एनामल पेंट भी कहते हैं, इसको ब्रश की मदद से लगाना है और इसके दो कोट जरूर लगाने हैं। ये एहतियात करनी है कि पेंट में आप और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा मिट्टी का तेल ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो आपने इसके ऊपर डिजाइनिंग के लिए ये कलर तैयार करना है इसमें आपने मिट्टी का तेल ही इस्तेमाल करना है।